आइए। ये हमारा बेडरूम है और ये जो है एक्चुअली मतलब आई थिंक ये 10x10 का रूम होगा, तो उस हिसाब से काफ़ी छोटा। तो एक तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप मिरर लगाओ तो रूम का डबल लगता है, ऐसा लगता है काफ़ी बड़ा रूम है। मिरर का शौक भी है, बीइंग एन एक्टर मिरर चाहिए ही, हम दोनों ही क्योंकि एक्टर है वो भी एड फिल्म्स करते हैं, सीरियल भी करते हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं, तो एक मिरर तो चाहिए ही है। लेकिन मिरर की क्योंकि परछाई अपने को सोते टाइम नहीं पड़नी चाहिए, तो इसलिए हमने ये कर्टन लगा के रखा है, रात को सोते टाइम ये कर्टन बंद कर देते हैं। और ये मेरी लेकिशा का बेड है, अभी रात को यहीं सोती है। इसमें काफ़ी सारे मैंने स्टिकर्स सब चीज़ लगा के रखा हुआ है, बीइंग अ बेबी गर्ल बहुत सारा कुछ कुछ सजाया हुआ है। एंड ये जो बेड है ये भी टीक वुड का है, मेरे सास ससुर जो हैं दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर एमएल बंसीवाल और डॉक्टर मिसेस शैल बंसीवाल, उन्होंने हमको गिफ्ट दिया है ये। और काफ़ी सारी चीज़ों मतलब फर्नीचर जो है उनकी पसंद का बहुत अच्छा है, मेरी सास की पसंद बहुत अच्छी है, नो डाउट। मुझे देख के तो आप समझ ही गए होंगे ना कि उनकी चॉइस कितनी अच्छी है, मैं भी तो उन्हीं की चॉइस हूँ। आइए मैं आपको अपने ड्रेसिंग टेबल दिखाती हूँ। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है और ये जो हम चैंटिंग करते हैं मयूर में उसके इसको बुत्सुदान बोलते हैं, इसके अंदर जो जिसको हम जिसके सामने प्रार्थना करते हैं उसको गुहनजोन बोलते हैं। तो रोज़ सुबह शाम हम यहाँ पर प्रेयर्स करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर्स होती हैं और चैंटिंग करते हैं। और इसमें यहाँ जैसे नीचे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो जैसे उनको पानी चढ़ाया जाता है या चावल चढ़ाया जाता है उनको, या वैसा है। इसके ऊपर कुछ नहीं रहना चाहिए, दीवार खाली होनी चाहिए ताकि हमारा कहीं ध्यान ना भटके। और ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है जो मैंने काफ़ी, मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मतलब तारक मेहता में मेरा डिज़ाइनर बेचारा पागल हो जाता था कि मैम कितने बार रेड पहनोगे, मेरा बस चले तो मैं हर दिन 24 घंटे रेड ही पहनूँ, आज नहीं पहना ये अलग बात है। तो ये कुछ चीज़ें शोकेस जैसा सजाया हुआ है साइड में, अंदर ये मिरर के पीछे मेरा सब मेकअप का सामान है तैयार होने के लिए, क्योंकि और कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से करके रखी हुई है मैंने। ये जो है ये जो चेयर है एक्चुअली ड्रेसिंग टेबल में इसके सामने तैयार होने के लिए, उसको साथ में स्टोरेज का भी बना के रखा हुआ है। ये जो ऐसे ओपन होके ये अंदर काफ़ी सारा मेरा सामान आ जाता है। घर में जितना हो सके उतना मतलब स्टोरेज की चीज़ें करने की कोशिश की है कि जगह भी यूटिलाइज हो और अच्छा भी दिखे। ये दीवार रेड कलर की है जो मेरा फेवरेट है, और ये साउथ वॉल भी है तो इसीलिए उसको रेड कलर की करवाया था। हालांकि जब फर्स्ट टाइम ये दीवार और ये वायलेट कलर रूम में जब करवाया था तो मयूर एंटर हुए थे तो उन्होंने बोला था जेनी ऐसा लग रहा है कोई मद्रासी होटल में रहने आए हैं। धीरे धीरे वो थोड़ा सा फिर सेटल लगने लगा। बट ये है कि वायलेट मेरा फेवरेट कलर है और रेड तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो दोनों को मिक्स करके मुझे चाहिए था कि बेडरूम में करें, और नेचुरली मयूर ने भी हाँ बोला तो फिर इसको ये कलर किया है। ये जो है ये साउथ कॉर्नर है जहाँ पर मतलब जोड़े में चीज़ें रखी जाती हैं जो कपल्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने मयूर को बहुत सालों पहले दिया था, उन्होंने मुझे दिया था एक, हमारी फ़ोटोग्राफ्स ऐसा सब रखा हुआ है। अभी मैं आइए आपको अपना किचन दिखाती हूँ, मेरी सबसे फेवरेट जगह। और ये मेरा किचन है और ये किचन टोटली मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल मेरी पसंद के, बस कलर्स को चूज़ करके जो इंटरनेट पे जो काफ़ी सारा मैंने कलर्स के बारे में पढ़ा था, वास्तु के हिसाब से कलर थेरेपी के हिसाब से, जैसे येलो ग्रीन ये कलर्स होने चाहिए और रेड जो किचन में, जिससे आप लाइक डाइजेशन अच्छा सा होता है, हेल्दी रहते हैं, तो वो कलर्स को मैंने काफ़ी सारा मिक्स करके जैसा चाहिए था वैसा बनाया है, उसको मैचिंग करके फिर हमने यहाँ पर कुछ टाइल्स की थी। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारा मेरे किचन में आपको
फ्रूट्स एंड ऑल सब टंगे मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी मतलब मैं हेल्दी ईटिंग में विश्वास रखती हूँ. कलरफुल जैसे मैंने आपको बताया मुझे बहुत पसंद है, तो काफ़ी सारा थोड़ा सा ऐसा जंगल लुक देने की कोशिश की है. ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर प्लांट रखा हुआ है, बिकॉज़ ये गैस स्टोव और वाटर, इसके बीच में ये दोनों फायर और वाटर एलिमेंट है, तो दोनों का अगर डिस्टेंस कम होता है तो उसको बीच में तोड़ने के लिए अकॉर्डिंग टू वास्तु मैंने ये प्लांट यहाँ रखा हुआ है, उसकी वो रेमेडी है ऐसा बोला जाता है. और ये मिरर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, बिकॉज़ मेरा जो किचन है उसमें जब भी हम किचन में खाना बना रहे होते हैं तो जब भी कोई एंटर होता है तो आप 45 डिग्री से ज़्यादा आपको नहीं मुड़ना चाहिए, तो खाना यहाँ हम बना रहे हैं तो फुल मुड़ना पड़ता है. तो उसके लिए रेमेडी है कि आप एक मिरर सामने रखो कि किचन में कोई भी एंटर हो रहा है तो आपको दिखे. तो आई होप इसीलिए शायद खाना हमेशा अच्छा बनता है, आप खाने ज़रूर आएगा तो पता चलेगा आपको. और यहाँ मैंने एंटरटेनमेंट का भी काफ़ी प्रोग्राम करके रखा है, हमारा पुराना रेडियो था ये मैंने यहाँ रखा हुआ है, बिकॉज़ खाना बनाते बनाते अगर बोर रहे हैं तो रेडियो साथ में दिन भर चलता रहता है. ये फ्रिज पे मैंने मेरा एक पेपर लगा हुआ है जिसमें लिखा है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज़ कीपिंग मी अलाइव, बिकॉज आई फॉलो रोंडा बर्न सीक्रेट पावर एंड मैजिक. तो उसमें मैजिक के हिसाब से आपको हर दिन थैंकफुल होना चाहिए कि आपकी हेल्थ दिन भर में अच्छी है. मतलब सिर्फ है, अगर इंसान के पास सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो क्या है. तो अगर मेरी हेल्थ अच्छी है तो इसलिए लगा के रखा है कि जब भी जितनी बार पानी पीना हो, कुछ भी करना हो, तो मुझे याद रहे कि ओके मुझे थैंक यू करना है मेरी हेल्थ के लिए, कि मेरी हेल्थ अच्छी है. और कुछ ऐसे स्टिकर्स लगाए हुए हैं जो हम कहीं सिंगापुर या कहीं भी गए हैं, वो सबके स्टिकर्स लगाए हुए हैं. अभी आइए मैं आपको अपना दूसरा बेडरूम बताती हूँ. ये जो बेड का जो स्टेयर है, तो ऊपर जाने के लिए तो सीढ़ी है ही, साथ में स्टोरेज के लिए कुछ बनाया हुआ है. कुछ मतलब स्टेयर का स्टेयर अच्छा दिखे, ऊपर जाने के लिए भी काम आए, और इवन लाइक फॉर स्टोरेज दीज आर द ड्रॉज, ये काफ़ी कुछ ऐसे ड्रॉज हैं. एंड ये भी जो नीचे जितने ड्रॉज हैं तो उनमें सामान रखने का तो है ही, प्लस आप अगर इसको पूरा इस तरीके का बनाया हुआ है मैंने कि ये पूरा बाहर चल जाएगा तो अंदर सफाई कराने में इजी होगा, वरना अगर फिक्स वाले ड्रॉज आप बनाते हो तो आप सफाई नहीं कर सकते हो, तो उस तरीके का बनाया हुआ है. यहाँ पर भी हमारा यहाँ पुराना म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ है, बिकॉज़ म्यूज़िक के हम लोग बहुत शौकीन हैं, तो म्यूज़िक यहाँ पर भी मैं किचन में भी रहती हूँ तो कभी अच्छे से तेज़ सुनना है तो यहाँ फुल पे करके आराम से म्यूज़िक सुन सकते हैं. ये हमारी लाइब्रेरी कम मंदिर है. लाइब्रेरी तो जस्ट ऐसी कलरफुल की है, ज़्यादातर बुक्स मैं ही पढ़ती हूँ, ये थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं. ये पुरानी एल्बम, काफ़ी मुझे फ़ोटोज़ का पहले भी शौक था, मतलब ये एल्बम आई थिंक 7-8 साल पहले तक की है, मतलब आप कह लीजिए तब तक मेरी 150 एल्बम हो गई थी बचपन से, इतनी एल्बम्स हैं. एंड ये मंदिर है जो मेन इसमें लाइट मतलब किया है, लाइट रात के टाइम के लिए खास करके, भगवान जो हैं मतलब कम रखे हैं और है ना, बाकी ये शोकेस जैसा किया हुआ है. तो आपने अभी मेरा घर तो देख लिया है. अरे हाँ, मुझे ये मेरे टॉय को देख के एक बात याद आई, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी. वो दिखा वाला दो पहले. ये एक बार 2 साल पहले एक मॉल में जो गेम जीतते हैं ऐसे करके जाके उठाता है क्रेन वाला गेम, उसमें ये रखा हुआ था. एंड मुझे देख के इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मुझे अब भी चाहिए, अब भी मुझे इसको हक करना है. और मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, मैंने मजाक में ऐसा बोला, और मेरे फ्रेंड के पास उसका गेम का कार्ड था और जस्ट हमने खेला, और इत्तेफाक से मतलब ये एक ही बार में जाके ये टॉय उसी टाइम मुझे मिल गया. और मेरा ब्रदर साथ में था, मैं उसने बोला उसमें ये टॉय रखा था, उसने बोला इसको भी ट्राई करते हैं, और सेकंड उसने किया तो ये भी मिल गया. एक्चुअली आई एम एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ सीक्रेट, द सीक्रेट जो मूवी है, द सीक्रेट बुक है, जिस पार सीक्रेट और मैजिक करके द हीरो अभी दूसरी बुक आई है रोंडा बर्न की, तो उसके हिसाब से यह है कि आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी पाना है वो आप कैसे पाओ, वो बुक्स में ये दिया गया है. तो ये टॉयज़ मुझे वो सीक्रेट के कारण ही मिले, और
ये भी आप कह सकते हैं काफ़ी सारी जिंदगी में चीज़ें भी मुझे वो सीक्रेट के कारण ही मिली, बिकॉज सीक्रेट में बेसिकली ये है आप कैसे सोचो, कैसे विजुलाइज करो, कैसे ड्रीम करो, और यू हैव टू बी पॉजिटिव. तो पॉजिटिव तो हम है ही, और आई होप ये सब एटीट्यूड के कारण हमारा घर मतलब में पॉजिटिविटी झलकती है, ऐसा सबका कहना है. जो भी लोग घर आते हैं उनका ये कहना होता है कि तुम्हारा घर बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा लगता है. तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आया हो, आप ज़रूर आइए मेरे घर पे, एक बार मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना, बहुत अच्छा लगेगा. और इनके हाथ से पोर्टफोलियो खिंचाना.